हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये है दयाना आउटलुक जेन 2 हाई पावर, वन ऑफ द बेस्ट एयर राइफल अंडर 1 लाख। और जितने भी लोग हैं, जो मेरे फैंस हैं, जो एयर राइफल बाय करना चाहते हैं अंडर 1 लाख, एक परफेक्ट एयर राइफल क्लिंकलिंग के लिए, टारगेट शूटिंग के लिए, फास्ट कंट्रोल के लिए, उन सभी के लिए ये बेस्ट एयर राइफल है अंडर 1 लाख। इसका रिव्यू मैंने ऑलरेडी किया है, एक दो साल पहले किया है मैंने। आज मैं इसका ग्रुपिंग आपको फिर शॉट करके दिखाऊंगा 35 मीटर्स पे। और मैं यूज करूंगा जेएसबी नॉकआउट 13.43 ग्रेन्स। ये आप देख सकते हैं, ये स्लाक है, ये मैं आज चला के दिखाऊंगा, इससे ग्रुपिंग बना के दिखाऊंगा। दोस्तों मेरा जो मैं क्यों इसे रिकमेंड कर रहा हूँ, मेरा रिकमेंडेशन के पीछे भी एक रीजन है। अंडर 1 लाख सबसे बेस्ट एयर राइफल में इसे मानता हूँ रेगुलेटेड। अगर आप नॉन रेगुलेटेड बाय करना चाहते हैं तो आप इंडियन में प्रिसी होल PX 100 में आप जाइए। अगर आपको रेगुलेटेड चाहिए अंडर 1 लाख तो आप इसमें जा सकता है, ये वन ऑफ द बेस्ट चॉइस होगा आपके लिए। इसका जो बैरल क्वालिटी है ना, बहुत अच्छा है दोस्तों। इसका बैरल स्लाक और फेलेक्स दोनों को बहुत अच्छी तरह फेवर करता है। वैसे तो ऑप्शन में आपका दयाना स्काई होक भी है, वो भी रेगुलेटेड है, लेकिन मैं वो आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। उसका बैरल को पता नहीं, एक ही लेंथ बैरल साइज एक ही कंपनी है, लेकिन दयाना स्काईहॉक का जो बैरल थे ना वो मुझे पसंद नहीं आया। मेरा एक्सपीरियंस इसका, मैंने इसे करीब 8 महीना यूज किया है, 8 मंथ्स, तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इसका साथ में। और दयाना स्काईहॉक भी मैंने करीब 5-6 महीना यूज किया है, तो बहुत अच्छा उसका साथ भी एक्सपीरियंस है मेरा। और मैं क्यों दयाना स्काईहॉक रेकमेंड नहीं करता, अगर केवल आपको पैलेट ही चलाना है तो आप ले सकता है, लेकिन उसका बैरल बिल्कुल स्लाक फेवर नहीं करता। आप जितने भी स्लाक ट्राई करके देखो, स्काईहॉक का बैरल बिल्कुल फेवर नहीं करेगा, आप उससे अच्छी तरह शॉट नहीं कर पाएगा। लेकिन इसने आउटलॉ में एक ऐसे बैरल दिया है जो बहुत अच्छी तरह स्लाक और पैलेट दोनों को फेवर करता है। सो इसीलिए मैं आप सभी को रेकमेंड करता हूँ, अगर आपको अंडर 1 लाख एक रेगुलेटेड एयर राइफल आप क्लिंकलिंग के लिए, टारगेट शूटिंग के लिए, फील्ड टारगेट के लिए अगर आपको बाय करना है तो आप बिल्कुल इस पे जा सकता है, आपका बेटर चॉइस होगा ये। आज मैं आप सबको दिखाऊंगा इस पे ग्रुपिंग बना के। ये देखिए, यहाँ पे करीब 5-6 ग्रुपिंग हम करेंगे, आई मीन 5-6 शॉट्स इसमें चलाऊंगा, ग्रुपिंग करेंगे, उसके बाद साइड में जो लगा हुआ है ना इस पे टारगेट, इस पे शॉट करूंगा। चलिए दोस्तों, ज्यादा डिस्टेंस पे शॉट नहीं करूंगा, ओनली 35 मीटर्स पे शॉट करूंगा। बारिश है आप देख सकते हैं, और हवा भी उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन है हवा थोड़ा बहुत, और डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, स्लाग चलाऊंगा। चलिए दोस्तों, मैं अपना टारगेट पहले सेटिंग कर लेता हूँ, उसके बाद हम शूटिंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शूटिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने अपना टारगेट ऑलरेडी सेट किया है, जैसे मैंने बताया 35 मीटर से। चलिए दोस्तों, अभी का शायद डबल लोडेड है। मैंने पहले एक ऐसे प्रैक्टिस करते समय मैंने एक गोली लोडेड किया था, लोड किया था, तो अभी का शायद मेरे ख्याल से डबल लोडेड है, वो वाला हम काउंट नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Awesome. Awesome, दोस्तों एक ही होल पे शॉट कर रहा है।
हमने चार ग्रुप बनाए अभी, जो साइड पे टारगेट पेपर्स है ना छोटा छोटा, उस पर शॉट लगाएंगे अभी। थोड़ा ऊपर शॉट हो रहा है तो मैं थोड़ा नीचे एम करके शॉट करूंगा। वाओ, ऑसम। वाओ दोस्तों, बहुत ही बढ़िया ग्रुप्स बनाया मैंने। चलिए मैं अभी आप सबको रिजल्ट दिखाता हूँ, फिर आप सबको मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा क्यों मैं रेकमेंड कर रहा हूँ इसे अंडर वन लैक, वन ऑफ द बेस्ट एयर राइफल। चलिए मैं आपको पहले आपका टारगेट पेपर लेकर दिखाता हूँ। दोस्तों ये रहा रिजल्ट, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, बहुत ही अच्छा नहीं, एक्सीलेंट रिजल्ट है। दोस्तों देखिए, मैंने 4 शॉट्स यहाँ पे किया, ये आप देख सकते हैं, एक ही होल है। मैं आपको दिखाऊंगा इसका साइज, स्लग एक स्लग का साइज के साथ मैं कंपेयर करूंगा। ये आप देख सकते हैं स्लग, ये मेरा 0.177 नॉकआउट 13.43 ग्रेन स्लग है। देखिए इसका साइज में शॉट किया है, इसमें 4 शॉट्स किया है मैंने, और जो बाकी है ना, जो फर्स्ट शॉट था मैंने आप सबको बताया था डबल लोडेड, ये देखिए एक यहाँ पे शॉट किया है और एक यहाँ पे शॉट किया है, 2 गोली चला गया था। उसके बाद हमने शॉट किया यहाँ पे 4 शॉट्स ग्रुपिंग बनाया, बहुत ही अच्छा ग्रुपिंग है। देखिए सिंगल होल है, और उसके बाद यहाँ पे शॉट किया, ये देखिए यहाँ पे वुल आई है, बिल्कुल सेंटर पे शॉट किया, यहाँ पे थोड़ा साइड में शॉट किया मेरा हिलने के कारण, मैं बताऊंगा रीजन, और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट वुल आई, इसमें भी ऑलमोस्ट वुल आई। दोस्तों ये मेरे स्कोप फर्स्ट फोकल प्लान नहीं है, सेकंड फोकल प्लान स्कोप है, तो इसका रेटिकल साइज बहुत बड़ा है, अब बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ा बड़ा है एफएफपी से कंपेयर करेंगे तो। और इसका जो यहाँ पे आप देखिए, इसमें जो पॉइंट है ना यहाँ पे, जहाँ पे मुझे एम करना है, इसका साइज देखिए बहुत छोटा है, तो उसका रेटिकल्स का साइज पूरी तरह ढक देता है, इवन इसको, ये जो बड़ा साइज टारगेट है इसको भी ढक देता है, तो मुझे बहुत तकलीफ हुआ एमिंग करने में। ये थोड़ा बहुत इसमें मुझे उतना तकलीफ नहीं हुआ जितना इसमें तकलीफ हुआ है, ये पूरी तरह ढक देता था, तो मुझे बहुत एडजस्ट करके एकदम पेशेंस का साथ में इसे शॉट करना पड़ा, फिर भी इतना अच्छा ग्रुपिंग आया। देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं, दोस्तों यही रीजन है मैं इस एयर राइफल को, जितने भी मेरा फैंस है आप सभी को रेकमेंड करता हूँ, अंडर 1 लाख आप सभी के लिए बेटर चॉइस होगा। और इसका जो मैकेनिज्म है ना, ये बहुत इजी है, अगर लीकेज इशू आ गया तो आप घर बैठे बैठे भी आराम से इसे बना सकता है, सिंपल है, बहुत ही एक्यूरेट, काफ़ी पावरफुल एयर राइफल है ये। Gen 2 है, Gen 2 हाई पावर, अगर आप लो पावर लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, मार्केट में उसका प्राइस थोड़ा कम है, लेकिन आप स्लग शॉट नहीं कर पाएगा उससे, आपको हाई पावर लेंगे तो आप फिर स्लग अच्छी तरह शॉट कर पाएगा। बस दोस्तों उतना ही आज के लिए, हम मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए इसी तरह बने रहिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी